नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया के एक ऐसे स्टेट के बारे में जो फेमस है अपने हिस्ट्री, कल्चर और अपनी अलग पहचान के लिए। लेकिन यार, ये स्टेट थोड़ा अलग है, मतलब यहाँ के लोग थोड़े ज्यादा ही अलग हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार और बिहारी लोगों की। बिहारी लोग जाने जाते हैं अपने स्ट्रॉन्ग नेचर, हिम्मत और मेहनत के लिए। कहते हैं ना, एक बिहारी सौ पे भारी, और ये बात बिल्कुल सच है। चाहे वो पढ़ाई हो, जॉब हो या फिर कुछ और, बिहारी हर जगह राज करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बिहार और बिहारी लोगों के बारे में कुछ मजेदार और इंटरेस्टिंग बातें बताएंगे जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तैयार हो जाइए एक मजेदार जर्नी के लिए। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिहार बहुत पुराने समय से ही एजुकेशन का बहुत बड़ा केंद्र रहा है? जी हाँ, नालंदा और विक्रमशिला जैसे वर्ल्ड फेमस यूनिवर्सिटीज यहीं पर थे, जहां दूर दूर से लोग पढ़ने आते थे। और आज भी बिहार के लोग पढ़ाई को बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं। यहाँ के बच्चे छोटे से ही IAS और IPS बनने के सपने देखते हैं और अपनी मेहनत से उन्हें पूरा भी करते हैं। देश के कई बड़े बड़े पोजीशंस पर बिहारी लोग हैं जो यहाँ के एजुकेशन सिस्टम और यहाँ के लोगों की लगन को दिखाते हैं। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात यह है कि बिहार में पढ़ाई का तरीका थोड़ा अलग है। यहाँ रटने से ज्यादा समझने पर जोर दिया जाता है, और शायद इसीलिए यहाँ के स्टूडेंट्स हर मुश्किल एग्जाम में इजीली पास हो जाते हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि बिहारी है क्या, तो आप भी कहना हाँ, और मुझे इस बात पर गर्व है। दोस्तों, बिहार सिर्फ पढ़ाई ही नहीं बल्कि भाषा और संस्कृति का भी घर है। यहाँ भोजपुरी, मैथिली और मगही जैसी प्यारी प्यारी भाषाएं बोली जाती हैं, और हर भाषा की अपनी एक अलग मिठास है और अपना एक अलग जादू है। भोजपुरी तो आजकल पूरे देश में फेमस हो गई है। भोजपुरी सॉन्ग्स और मूवीज हर किसी को नाचने पर मजबूर कर देते हैं। मैथिली भाषा अपने लिटरेचर के लिए जानी जाती है, जबकि मगही अपनी सिंप्लिसिटी और मिठास के लिए फेमस है। लेकिन यहाँ एक मजेदार बात यह है कि बिहारी लोग हिंदी भी बड़े ही प्यार से बोलते हैं, और उनकी हिंदी में एक अलग ही मिठास होती है जो सबको उनका दीवाना बना देती है। तो अगली बार जब कोई बिहारी आपसे अपनी भाषा में बात करे, तो उसे जरूर सुनना, क्योंकि हर भाषा अपने आप में एक खूबसूरत संस्कृति दिखाती है। दोस्तों, त्योहारों के बिना जिंदगी बोरिंग है, और बिहार में तो बहुत सारे त्योहार हैं, लेकिन सबसे ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है छठ पूजा। ये त्योहार सूर्य देव और छठी मैया के लिए होता है, और इसे पूरे बिहार में बड़ी ही श्रद्धा और खुशी के साथ मनाया जाता है। घर की सफाई, नए कपड़े और मिठाइयों की खुशबू, छठ पूजा का माहौल ही कुछ अलग होता है। और जब औरतें अपने परिवार की खुशी और प्रॉस्पेरिटी के लिए व्रत रखती हैं और सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं, तो वो नजारा देखने लायक होता है। लेकिन छठ पूजा सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये तो बिहारी संस्कृति की पहचान है। ये त्योहार हमें सिखाता है कि नेचर के साथ कैसे रहना चाहिए और अपने परिवार के लिए कितना कुछ कर सकते हैं। तो अगली बार जब आप छठ पूजा पर बिहार जाएं, तो इस त्योहार को सिर्फ देखना ही मत बल्कि इसका हिस्सा भी बनना और इसकी खूबसूरती को महसूस करना। दोस्तों, अब बात करते हैं बिहार के खाने की, जो अपने आप में एक ब्रांड है। यहाँ का खाना सिर्फ खाना नहीं होता बल्कि एक एहसास होता है, एक जज्बा होता है। और जब बात हो लिट्टी चोखा की, तो फिर क्या ही कहना। गर्मा गर्म लिट्टी को जब घी और चोखा के साथ खाया जाता है, तो बस मजा ही आ जाता है। और सत्तू पराठा तो यहाँ का स्टेपल फूड है। सुबह के नाश्ते में या फिर दोपहर के खाने में सत्तू पराठा हर समय परफेक्ट होता है। लेकिन बिहारी खाना सिर्फ लिट्टी चोखा और सत्तू पराठा तक ही लिमिटेड नहीं है। यहाँ मालपुआ, तिलकुट, दही चूड़ा और न जाने कितने ही टेस्टी डिशेस हैं, जो आपके मुंह में पानी ला देंगे। तो अगली बार जब आप बिहार जाएं, तो यहाँ के लजीज खाने का स्वाद जरूर लेना। और हाँ, खाना खाते समय अपने हाथों का इस्तेमाल करने में शर्माना मत, क्योंकि बिहारी खाना हाथों से खाने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों, बिहार वीरों की धरती है। यहाँ की मिट्टी में ही कुछ ऐसा जादू है कि यहाँ पैदा होने वाला हर इंसान नेक और हिम्मती होता है। इतिहास बताता है कि बिहार ने कई महान योद्धा और स्वतंत्रता सेनानी दिए हैं, चाहे वो मंगल पांडे हों या फिर जयप्रकाश नारायण। बिहार के लोगों ने हमेशा देश के लिए अपना सब कुछ दे दिया, और आज भी बिहार के नौजवान देश की सेना में जाकर देश की रक्षा कर रहे हैं। लेकिन बिहारी सिर्फ युद्ध के मैदान में ही नहीं बल्कि हर जगह अपनी बहादुरी दिखाते हैं, चाहे वो खेल हो या फिर मूवीज। बिहारी हर जगह धूम मचाते हैं। तो अगली बार जब कोई बिहारी आपके सामने आए, तो उसे सलाम करना, क्योंकि उसके रगों में बहादुरी का खून दौड़ता है। दोस्तों, बिहारी होना मतलब संघर्ष करना। यहाँ के लोगों ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन कभी हार नहीं मानी। कहते हैं ना, जब तक सांस है तब तक उम्मीद है।
और ये बात बिहारी लोगों पर बिल्कुल सही बैठती है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाएं, बिहारी हमेशा मुस्कुराते हुए उनका सामना करते हैं और अपनी मेहनत से हर मुश्किल को आसान बना देते हैं। यहाँ के लोगों में जुगाड़ करने की भी अद्भुत क्षमता होती है। कम संसाधनों में भी बेहतरीन काम कर लेना, ये तो बिहारी लोगों के लिए बहुत आसान है और शायद इसीलिए आज बिहारी पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना चुके हैं। चाहे वो कोई भी फील्ड क्यों ना हो, बिहारी अपनी मेहनत से सबका दिल जीत लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको कभी जिंदगी में हार मानने का मन करे तो एक बार बिहारी लोगों को याद कर लेना, उनकी संघर्ष की कहानी आपको नई प्रेरणा देगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बिहार इंडिया का वो स्टेट है जहां से सबसे ज्यादा लोग जॉब के लिए दूसरे स्टेट्स में जाते हैं? जी हां, दिल्ली हो, मुंबई हो या फिर दुबई, बिहारी हर जगह मिलेंगे और इसकी सबसे बड़ी वजह है उनकी मेहनत। बिहारी किसी भी काम को करने से पीछे नहीं हटते, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, और शायद इसीलिए उन्हें हर जगह काम मिल जाता है। लेकिन बिहारी सिर्फ काम ही नहीं करते, बल्कि जहां भी रहते हैं वहां के कल्चर में घुल मिल जाते हैं और अपनी संस्कृति और परंपराओं को भी जिंदा रखते हैं। तो दोस्तों, अगर आप कभी किसी बिहारी से मिले तो उसे जरूर सलाम करना, क्योंकि वो अपने परिवार और अपने स्टेट का नाम रोशन कर रहा है। तो दोस्तों, ये थे बिहार और बिहारी लोगों से जुड़े कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। उनकी संघर्ष, पढ़ाई के प्रति प्यार, कल्चर और देशभक्ति उन्हें सबसे अलग बनाती है। बिहारी लोग अपनी पहचान पर गर्व करते हैं और पूरे इंडिया को अपनी मेहनत से प्राउड करते हैं। तो अगली बार जब आप किसी बिहारी से मिले तो उसे एक प्यारी सी मुस्कान जरूर देना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।